गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी एम टी यूट्यूब चैनल। एम बी ए स्टूडेंट्स क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट आई बी स्पेशलाइजेशन में जो आज के लेक्चर में हम कंटेंट डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल बर्क मैकॉलेक्स मार्टिन लूथर किंग्स आर सम सोसाइटीज बेटर देन अदर्स। अब इसमें कुछ डिस्कशन ये है कि हाफ अ सेंचुरी आफ्टर देयर डेथ मार्टिन लूथर किंग जूनियर कॉल्स बर्क मैकॉलेक्स वर द वर्ल्ड मोस्ट रिवर्ड पॉलिटिक एक्टिविस्ट। They were respected leaders of American civil movement struggling for equality and freedom। ये कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इक्वालिटी और फ्रीडम की लड़ाई में निकाली। बट स्टार्ट ऑफ 1960 द मीडिया वर कंस्ट्रक्टिंग अ कॉन्फ्लिक्ट एट द सिविल राइट डिबेट मैकॉलेक वर्सेस मार्टिन लूथर किंग। यहाँ पर देखा गया है कि अगर हम 1960 की बात करें तो मीडिया में सामने आया कि मार्टिन लूथर किंग और मैकॉलम एक्स के बीच में एक डिबेट दिखाया गया जिसमें वो सिविल राइट्स को लेकर अगेंस्ट थे। व्हाइल मार्टिन किंग एडवोकेटेड नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन एंड पैसिव रेजिस्टेंस टू अचीव इक्वल सिविल राइट। यहाँ पर किंग लूथर का मानना था कि नॉन वायलेंट एक्शन से ही हम इक्वालिटी ला सकते हैं और मैकॉलम एक्स वॉज स्पोकन ऑफ नेशनल ऑफ इस्लाम। द ब्लैक मुस्लिम मूवमेंट वॉज वॉलेंट्री रिजेक्टेड व्हाइल अमेरिका एंड इट्स स्विस वैल्यूज। अब यहाँ पर मैकॉलम एक्स का क्या था कि जो नेशन ऑफ इस्लाम है ब्लैक मुस्लिम मूवमेंट को विच वॉज वॉलेंट्री रिजेक्टेड व्हाइट अमेरिका, जो व्हाइट अमेरिकन थे क्रिश्चियन वैल्यूज जो रखते थे उसको वॉलेंट्री उन्होंने क्या किया रिजेक्ट किया अपोज किया जिसकी वजह से उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं मिल पाए। ही प्रमोटेड अ सेग्रीगेटेड अप्रोच इंस्टिलिंग ब्लैक एज प्राइड इन देयर अफ्रीकन हेरिटेज। उनका ये मानना था कि रादर देन व्हाइट अमेरिकन्स ब्लैक एज अ प्राइड ऑफ अफ्रीकन हेरिटेज। केन वॉज वर्किंग टू टेक डाउन द साइन दैट प्रिवेंटेड ब्लैक पीपल फ्रॉम राइडिंग इन बसेस वेयर दे वॉन्टेड टू एंड टू राइड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। किंग्स का ये मानना था कि वो अवॉइड कर रहे थे कि वे प्रिवेंट करें कि ब्लैक पीपल डू नॉट गेट नॉर्मल सर्विसेज जो है उन्हें ना मिले और ब्लैक्स पर आउटपुट वोट और सॉरी दूसरी साइड पर मैं कॉलर नहीं चाह रहा था कि जो ब्लैक पीपल है उनको वोटिंग का राइट मिले हर तरह की वो पावर मिले जिनको वो डिजर्व करते हैं। वंस केम फॉर द प्रेस द मेथड ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस इज द मोस्ट मोमेंट इफ नॉट द मोस्ट मोमेंट वेपन्स अवेलेबल टू अप्रेस पीपल द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जहाँ पर लूथर ने मीडिया को ये अपना मेंशन किया कि भाई नॉन वायलेंस ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम इसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैकॉलम कम फ्रॉम ब्लैक नेशन। यहाँ पर क्या था कि जो मैकॉलम एक्स थे वो ब्लैक नेशनलिस्ट ट्रेडिशन को बिलोंग करते थे एंड डज नॉट बिलीव दैट यू कैन गेन फ्रीडम योर सेल्फ रिस्पेक्ट योर डिग्निटी बाय सिंपली लेटिंग समबडी बीट यू अप एंड यू नॉट ट्राई टू डिफेंड योर सेल्फ। वो ये नहीं मानते थे कि भाई कोई तुम्हें समबडी बीटिंग यू आपको वो हार्म कर रहा है और आप चुपचाप उसको कुछ नहीं बोलेंगे तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं बचा पाएंगे। बट जो किंग लूथर थे वो एम्फेसिस करते थे नॉन वायलेंस की। उससे देखने में मिला कि इस तरह की जो इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए लोगों की लड़ाई थी तो वो किस तरह से क्रॉस कल्चर अलग अलग जगहों के अलग अलग कल्चर थे जिसके ऊपर उनकी अपनी मान्यताएं थी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेटिविज्म एंड डेवलपमेंट। रिलेटिविज्म क्या है? रिलेटिविज्म इज एन आइडिया ऑफ व्यू आर रिलेटेड टू डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड कंसीडरेशन। देयर इज नो यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव ट्रूथ अकॉर्डिंग टू रिलेटिविज्म रादर ईच पॉइंट ऑफ व्यू हैज इट्स ओन ट्रूथ। ये एक सच्चाई है कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर एक अपनी सच्चाई होती है, रिलेट नहीं करता है कोई चीज किसी से। द मेजर कैटेगरीज ऑफ रिलेटिविज्म वेरी इन द डिग्री ऑफ स्कोप एंड कंट्रोवर्सी। मॉरल रिलेटिविज्म एनकंपासेस द डिफरेंसेस इन मॉरल जजमेंट अमंग द पीपल एंड कल्चर। ट्रुथ रिलेटिविज्म इज द डॉक्ट्रिन दैट देयर आर नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसलिए कल्चरल रिलेटिविज्म इज द आइडिया दैट पीपल बिलीव्स दैट एंड प्रैक्टिस शुड बी अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन द पर्सन्स ओन कल्चर। किसी भी व्यक्ति का अगर कोई आइडिया बिलीफ वैल्यू है तो हमें उसको समझना है उसके कल्चर के हिसाब से क्योंकि उसकी एक अपनी मान्यता है। कोई चीज़ किसी से रिलेट नहीं करेगी, सबने रिलेटिव डिफरेंट होते ही हैं। ठीक है, द फर्स्ट यूज ऑफ दिस टर्म वाज रिकॉर्डेड इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बाय द फिलोसोफर और धीरे धीरे फिर उसमें प्रिंसिपल शुड बी कंट्रीब्यूट मोर रिलेटेबल। तो ये हमने इसमें मैंशन किया है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द चैलेंजेस फेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू बेस क्रिएटिव कल्चर ऑफ लर्निंग दैट एनकरेज एम्प्लॉइज टू इंक्रीज देयर नॉलेज। आजकल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को नए कल्चर्स को सिखाया जाता है उनकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। कंटिन्यूस बेसिस पर उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिससे मोस्टली फीचर क्या होते हैं कि
requirement for HR and learning and development professionals in order to something. So this is all about for today's lecture, जिसमें हमने basically दो socialists की जो society में अलग अलग culture से belong करते थे उनकी civil rights को लेकर जो debate थी उसका reason था उसको समझा. रिलेवेटिव और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट जरूरी है लोगों को, अगर आप कल्चर की नॉलेज देना चाहते हैं तो तभी आएगा. एंड सेकेंड थिंग इज कि आप बेसिकली कोई भी किसी भी पर्सन की वैल्यूज है, बिलीव्स है, उसकी एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसकी एक अपनी मान्यता है जो हर किसी की एक जैसी नहीं हो सकती. तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है, समझना है, तभी हम कल्चर डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे. तो आई होप आज के लेक्चर को आप समझ पाए हैं. फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मैंशन करें. ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने. और ये जो कंटेंट है इसको आपको वर्ड टू वर्ड शेयर कर दिया जाएगा जिसको आप रीड आउट कर सकें. मेजर फोकस आपको करना है कि जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझिए कि क्या कहा गया है, किस बारे में डिस्कशन है. तो आई होप लेक्चर्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे. थैंक यू क्लास.